व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हम लोग जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको हम सांसद भी कहते हैं हिंदी में, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, वो देखेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, राज्यसभा में कौन होता है और लोकसभा में कौन होता है, आप लोगों को पता है। लोकसभा में जब हम बात करते हैं, स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है या फिर प्रोटर्म स्पीकर होता है, तो ये सारी टर्म्स आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। इसी तरीके से राज्यसभा में आप लोगों को जानने को मिलेगा कौन चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, कौन प्रिजाइड करता है राज्यसभा में। इसके अलावा नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस आप लोगों को देखने को मिलेंगे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा और कितनी रिक्वायरमेंट सीट होती है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का, इसके रिलेट करके मैं आप लोगों को करंट सिचुएशन आज की हमारी पार्लियामेंट की क्या है वो भी आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे सेशन हमारी पार्लियामेंट के। आप लोगों को पता है तीन सेशन होते हैं, सबसे पहला होता है बजट सेशन, फिर होता है मानसून सेशन और उसके बाद में होता है विंटर सेशन। तो ये सेशन कितने कितने टाइम के होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और इसके बाद में मैं आप लोगों को हमारी संसद जो पार्लियामेंट होती है उसमें ड्यूरेशन क्या होती है, ठीक है, लोकसभा की क्या ड्यूरेशन होती है, राज्यसभा की क्या ड्यूरेशन होती है, किस तरीके से वर्किंग होती है प्रॉपर पार्लियामेंट की, वो समझाऊंगा। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट लेक्चर चलने वाला है आज का। इसके आगे मैं आप लोगों से एक बात भी बोलनी थी। देखिए, कई सारे स्टूडेंट नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को बोलूंगा मैं 95% से ऊपर जो क्वेश्चन रहते हैं आपके या तो पास्ट जो वीडियो है उनमें कंप्लीट कर चुका हूं मैं, ठीक है, या फिर कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि कंप्लीट वीडियो देखे बगैर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा कीजिए, आपके क्वेश्चन के डाउट आधे से ज्यादा तो वीडियो के अंदर ही कवर हो जाते हैं। अगर कुछ डाउट ऐसे रहेंगे जो मैंने ना तो पास्ट लेक्चर में कवर किए हैं और ना ही वीडियो के अंदर कवर किए हैं, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा डाउट वीडियो बना दूंगा, ओके। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई करते रहिए अच्छे से और अपनी पढ़ाई का थोड़ा रिविजन जरूर करते रहिए। यार देखिए, अगर रिविजन नहीं करेंगे तो फिर टेंशन क्रिएट हो जाएगी, रिविजन नहीं करेंगे तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आगे आने वाले टाइम में। रिविजन को साथ साथ करके चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं आपकी पढ़ाई एक अच्छे लेवल में रहे। रिवीजन आप पीडीएफ से कर सकते हैं, वीडियो देखकर कर सकते हैं, एक दूसरे को किसी को पढ़ाकर कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, बस रिवीजन कीजिए, मेन फंडा रिवीजन होना चाहिए, ओके। तो आइए आज का लेक्चर एंजॉय करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो पोर्शन है हम देख लेते हैं पार्लियामेंट, जो हमारी संसद होती है उसमें जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको हम सांसद भी बोलते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। यहां पर बाद में दोनों की करूंगा पैरेलल में, लोकसभा की भी करूंगा और राज्यसभा की भी करूंगा, जहां पर डिफरेंस होगा वहां पर मैं अलग बता दूंगा आप लोगों को, पर लेकिन जहां पर दोनों की क्वालिफिकेशन इक्वल होगी वहां पर आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ओके। तो सबसे पहली बात जो है, सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वो निकल के आती है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ओके। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और ये आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, अगर हमारी कंट्री में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो उसमें इंडियन सिटीजन ही आएगा। अगर बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की, अगर बात करूं जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं आरबीआई गवर्नर, ठीक है, तो आरबीआई गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है, वहां पे कोई बाहर का मेंबर भी आ सकता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर इंडियन ही आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, ये तो पहले तो इंडियन होना चाहिए। सेकंड बात जो यहां पर बोली जाती है, सेकंड बात ये बोली जाती है कि देखिए वो फेथ होना चाहिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ रखना चाहिए। तीसरी बात जो बोली जाती है वो ये बोली जाती है कि देखिए सोवरेनिटी, जिसको बोलते हैं हम संप्रभुता, ठीक है, मतलब हमारी कंट्री के जो डिसीजन होने चाहिए वो हमारी कंट्री के जो हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे, प्राइम मिनिस्टर या फिर आप लोग प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, या फिर अपनी कंट्री के सिटीजन संविधान के हिसाब से ले सकते हैं, बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, ठीक है, तो उसको संप्रभुता बोलते हैं। हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारी क्या क्या पॉलिसीज इंटरनल कंट्री में होनी चाहिए वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, किसी बाहर से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ करता था, अगर इंडिया में कुछ भी पॉलिसी आया करती थी ब्रिटिश टाइम में ही हुआ करता था, वो सारी पास हुआ करती थी कहाँ पे, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास होकर इंडिया में आया करती थी। तो इस तरीके से वहां पर पहले पार्लियामेंट में ब्रिटेन की पास किया जाता था, उस टाइम उनको फिर वहां पर पास करने के बाद में इंडिया में लाकर इंप्लीमेंट किया जाता था। लेकिन अब जो कुछ भी होता है हमारी कंट्री का वो हमारी कंट्री के अंडर ही होता है, बाहर से हमें कुछ नहीं लाना पड़ता है, जाके किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ता है कि यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा, हमारे सारे डिसीजन हमारी पार्लियामेंट खुद लेती है, बाहर से हमारे डिसीजन नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोवरेनिटी। इसके अलावा बात जो की जाती है वहां पर वो इंटीग्रिटी की जाती है। तो इंटीग्रिटी, अखंडता, तो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी दोनों बनाए रखनी है। अखंडता का मतलब क्या होता है कि कंट्री को तोड़े ना, ठीक है, कुछ भी ऐसा काम ना करे जिससे कंट्री की जो अखंडता है या इंटीग्रिटी है वो खतरे में पड़ जाए। तो इसके नाम पर भी यहां पर ये इस तरीके की भी यहाँ पर क्वालिटी होती है, ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस तरीके से, यहाँ पर जो हमारी अखंडता है या संप्रभुता है या सोवरेनिटी इंटीग्रिटी है उसको प्रमोट करना है यहाँ पर। यहाँ पर एक डिफरेंस है दोनों में, जो दो आप लोगों को याद रखना है, जो राज्यसभा की एज है राज्यसभा का मेंबर बनने की वो है 30 ईयर, ठीक है, और जो लोकसभा का मेंबर बनने की एज है वो है 25 ईयर।
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है तो 25 ईयर की एज अगर आप क्रॉस कर सके हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग 25 ईयर एज क्रॉस कर चुके हैं तो इस तरीके से आप लोग इसको याद भी रखिएगा, ओके। तो लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो एज का डिफरेंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। ये जो क्वालिफिकेशन हम लोगों ने अब तक देखी, ये सारी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, हमारे संविधान में लिखी हुई है, पर कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई जो कि रिक्वायर्ड थी। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि एज ए रजिस्टर होना चाहिए वोटर के तौर पर, मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए तो उसके लिए वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा 18 साल से ऊपर, तो वोटर या वोटर के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए यहां पर। सबसे पहली बात तो ये जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात क्या बोली गई है, आप लोग सभी जानते हैं कि पहले 2003 तक ये बात हुआ करती थी, अगर आप लोगों को राज्यसभा की सीट के लिए इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, तो आप लोगों को जिस स्टेट से लड़ना है, मान लीजिए जम्मू से लड़ना है या फिर आप लोगों को मध्य प्रदेश से लड़ना है, यूपी से लड़ना है, तो उस मेंबर उस स्टेट का ही आप लोगों को वोटर होना जरूरी है, मतलब उस स्टेट की जो वोटिंग लिस्ट है उसी में आपका नाम होना जरूरी है अगर आप लोग किसी स्टेट से राज्यसभा के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। पर लेकिन 2003 में ये जो बात थी ये साइड में कर दी गई, ठीक है, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसी स्टेट का मेंबर होना चाहिए, अब कोई भी जाकर कहीं से भी लड़ सकता है। पर ये बात यहां तो अलग कर दी गई, ये बात दूसरी जो पॉइंट है वो है एससी एसटी वाली पर। एससी एसटी के लिए हम लोगों ने देखा अभी सीट रिजर्व होती है, तो एससी एसटी के लिए जो सीट रिजर्व होती है उनको जरूरी है कि वो उसी स्टेट से हो जिस स्टेट से उनको नॉमिनेट किया जा रहा है, वहां पर उस स्टेट के रहने वाले हो, वहां पर उसी स्टेट में मतलब उनका नाम रजिस्टर हो वहां पर वोटर की तौर पर, ठीक है, ये एप्लीकेबल है एससी एसटी पर, ठीक है। पर लेकिन जो नॉर्मल मेंबर है उन पर एप्लीकेबल नहीं है आज की डेट में। तो ये दो पॉइंट है जो कि पार्लियामेंट ने अलग से बनाए जिससे कि रिजर्वेशन होता है उसको प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है, इनकी इनको भी रिप्रेजेंट की एससी और एसटी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट किया जा सके पार्लियामेंट में, इसीलिए इस तरीके के प्रोविजन यहां पर रखे गए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए इन बातों को लेकर, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है आखिर ऐसा प्रोविजन क्यों है, तो वो चीज आप लोगों को समझना है, कोई भी चीज रटनी नहीं है, ठीक है। तो समझ के चलेंगे तो आगे लंबे समय तक याद रहेंगे, और रटेंगे तो आज रटेंगे सुबह तक भूल जाएंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि रटना है या फिर समझना है, ओके। अब डिस्क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या प्रोविजन है। सबसे पहला तो यही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो हमने पास लेक्चरों में भी डिस्कस कर चुके हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर किसी पोस्ट पर वर्क ना करता हो, मतलब कोई जॉब न कर रहा हो, ठीक है। इसके अलावा अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, कोर्ट के द्वारा उसको पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, ठीक है, इस तरीके के प्रोविजन। इसके अलावा कुछ प्रोविजन जो ये तो आप लोगों को उसमें देखने को मिलेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए हैं, इसके अलावा कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो कि हमारी पार्लियामेंट ने भी बनाए हुए हैं, तो वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होने चाहिए, अगर वो प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहा है तो भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक प्रोविजन और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं वो है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी और कंट्री की सिटीजन एक्वायर कर लियो। तो ये आप लोगों ने सिटीजनशिप वाले चैप्टर में देखा होगा, हम लोगों ने जब डिस्कस किया था कि सिटीजनशिप जो है वो हमारी कंट्री की सिटीजनशिप होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक हमारी कंट्री की भी लेकर चल रहा है और बराबर में यूएसए की लेकर चल रहा है किसी और कंट्री की। अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली जाती है तो हमारी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, ये हमारी कंट्री के संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। हमारी कंट्री यूनिटरी सिटीजनशिप पे बेस है, यूएसए की तरह दो सिटीजनशिप नहीं है हमारे यहाँ पर। तो अगर किसी भी कंट्री की इंडिया को छोड़कर सिटीजनशिप ले जाती है किसी मेंबर के द्वारा, यहाँ पर मेंबर नहीं सिटीजन के भी द्वारा एप्लीकेबल होता है, अगर आप या मैं कोई भी हमारा सिटीजन जो है हमारी कंट्री का किसी बाहर की कंट्री की जाकर सिटीजनशिप एक्वायर करता है, तो जिस दिन किसी बाहर की कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है उसी क्षण से हमारी खुद की सिटीजनशिप हमारी वो क्या होती है टर्मिनेट कर दी जाती है, ओके। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ये प्रोविजन जो पहले देखे हमने सारे पार्लियामेंट में वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, पर लेकिन अब जो कुछ प्रोविजन बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो यहां पर 1951 में एक एक्ट बनाया गया कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होने के लिए कुछ और बातें भी होना जरूरी है, ठीक है, ये बातें भी जरूरी है जिससे कि एक ठीक ठाक इंसान पार्लियामेंट में पहुंचे, ओके। तो इसके लिए कई सारे प्रोविजन रखे गए। सबसे पहला प्रोविजन तो आप लोगों ने अभी न्यूटन मूवी आई है, ठीक है, तो न्यूटन मूवी देखी होगी, उसमें क्या बात बताई गई है, उसमें इलेक्शन जो प्रोसेस होता है वो करप्ट इलेक्शन प्रोसेस को रोकने के लिए क्या क्या प्रोविजन किए जा रहे हैं वो दिखाई गए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यही है कि इलेक्शन के ड्यूरेशन में कुछ भी गलत काम नहीं किया गया हो, ठीक है, कोई घपला ना किया हो अपने को जीतने के लिए, कोई वोट इधर उधर नहीं की गई हो, तो सबसे पहली बात यह है, तो तब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। दूसरी बात क्या की जा रही है, दूसरी बात में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव जी
दो या दो साल से ज्यादा है, कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड न पाया गया हो, सजा ना दी गई हो दो या दो साल से ज्यादा, अगर इससे ज्यादा सजा दी जाती है तो फिर क्या कर दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर इलेक्शन में कोई कन्विक्टेड पाया जाएगा, इलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें कोई बाधा डालेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहां पर अगर दो दो साल से ज्यादा है, उसको सजा मिल चुकी है जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा जितना भी उसमें देखिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें खर्चा पूछा जाता है, आपकी सैलरी वगैरह क्या है, कि मतलब सारी परिवार वगैरह की जो आपसे कनेक्टेड मेंबर है उनकी, वो सारे वहां पर बातें पूछी जाती है, कितनी आपकी एसेट्स है, अगर आप लोग वो नहीं बता रहे हैं ढंग से तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। किसी गवर्नमेंट सर्विसेज से आप लोगों को करप्शन मतलब करप्शन के चार्ज लगाकर आपको सर्विसेज से न हटाया गया हो, ठीक है, अगर इस तरीके करप्ट प्रैक्टिसेज में आपको पाया जाता है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, दो ग्रुप जैसे आप लोग देख सकते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई लगा दी जाती है, इस तरीके की प्रैक्टिस में इंडल्ज न पाया जाता हो, अनटचेबिलिटी SC ST के नाम पर किसी को डिस्क्रिमिनेट न किया जाता हो सोसाइटी में, तो ये सारी बात है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रख सकते हैं यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब फाइनल डिसीजन किसका होगा, फाइनल डिसीजन होगा यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ओपिनियन लिया जाता है वो इलेक्शन कमिश्नर का लिया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने आप डिसीजन नहीं लेता है, ओपिनियन दिया जाता है इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, तब जाके उनको डिस्क्वालीफाई करता है। तो ये बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, ये बातें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया गया उसके बाद में ये बातें निकल के आई 1951 का, कि ये ग्राउंड पर भी डिस्क्वालीफाई मेंबर को किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को जानने को मिली है यहां पर, इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2014 के आप लोगों ने इलेक्शन देखे होंगे, तो 2014 के इलेक्शन में जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने दो जगह दो सीटों से अपना जो टिकट था दो सीटों से भरा था, ठीक है ना, अपना फॉर्म एक तो भरा था बनारस से और दूसरा गुजरात से भरा था। ठीक है, तो दो सीटों से उन्होंने अपना सीट दो सीटों पे उन्होंने इलेक्शन लड़े थे, पर लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब वो जीते तो गुजरात वाली सीट को उन्होंने छोड़ दिया और बनारस वाली सीट को उन्होंने रखा कि मैं इस सीट को रखूंगा, तो उनकी जो आज की डेट में जो जिस जोन से उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बनारस से है। ठीक है, तो ये बात यहां पर देखने को मिली। तो वैकेट कब करनी है सीटें पार्लियामेंट में, अगर आप पार्लियामेंट में मतलब राज्यसभा और लोकसभा अगर आपके पास में दो सीटें हैं, ठीक है, तो विद इन 10 डेज आप लोगों को एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। अगर विद इन 10 डेज आप लोग एक सीट नहीं छोड़ते हैं तो राज्यसभा की सीट आप लोगों की ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी, आपके पास ओनली लोकसभा की सीट रहेगी। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि लोकसभा की सीट में डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता है, तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा की सीट को यहां पे खाली किया जाएगा, ना कि लोकसभा की सीट को। ओके, इसके बाद में दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह, मान लीजिए आप एक हाउस में चुने जा चुके हैं और आप लोग चाहते हैं कि दूसरे हाउस में जाना है, तो जिस दिन आप लोग दूसरे हाउस के लिए जाना चाहेंगे, दूसरे हाउस के लिए चुना जाना चाहते हैं, तो उसी दिन आपकी पहले हाउस की, चाहे वो राज्यसभा हो पहला हाउस, चाहे लोकसभा हो, वो सीट खाली हो जाएगी। ये प्रोविजन आप लोगों को याद रखना है, पहले वाले में राज्यसभा की सीटें होगी, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस करना है। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड लेडी दोनों हाउस की सीटें आप लोगों के पास में, तो एक की आप लोगों को खाली पड़नी पड़ेगी, पर यहाँ पर एक में है दूसरे में जाना चाहते हैं तो पहले वाले की सीट आप लोगों की खाली हो जाएगी। पर लेकिन मोदी जी वाला केस कंप्लीटली डिफरेंट था, उनका क्या था, लोकसभा में ही दो सीटों के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो यहाँ पर क्या फंडा है, यहाँ पर ये फंडा है कि अगर दोनों सीटों में से उन्होंने एक सीट को चूज नहीं किया तो दोनों सीटें खाली हो जाएंगी, तो उनको टाइम पीरियड दिया जाता है कि कम से कम इस ड्यूरेशन में आप लोगों को एक सीट चूज करनी है। एक कंडीशन और आप लोगों के माइंड में बच रही होगी, वो याद आ रही होगी आप लोगों को, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मनोहर पारिकर जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया था, तो उनकी जो पीछे वाली सीट है, ठीक है, वो खाली हो जाएगी विद इन 15 डेज, अगर वो नेक्स्ट अगर दूसरे पार्ट में मतलब पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से, तो ये भी प्रोविजन है। तो चार प्रोविजन है, चारों के चारों प्रोविजन आप लोगों को याद रखने हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोविजन में, अगर कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से सुनिए, आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, पर कन्फ्यूजन नहीं रखना है किसी पॉइंट से रिलेटेड माइंड में। ओके, इसके अलावा एक दो प्रोविजन आप लोग यहां पर और देख सकते हैं, वो क्या है, किसी ने खुद से रिजाइन कर दिया, ठीक है, अगर लोकसभा का है बंदा तो उसने स्पीकर को अपना रिजिग्नेशन दे दिया, और अगर राज्यसभा का है तो चेयरमैन को। पर लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को, ये रेजिग्नेशन अगर चेयरमैन ने या स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उनका
जो यहाँ से टर्मिनेशन नहीं किया जाएगा, अगर उनको लगता है कि वॉलेंट्री यहाँ से खुद नहीं दे रहा है, मतलब किसी के दबाव में किसी के प्रेशर में रिजाइन कर रहा है, अगर ऐसा फील हो गया स्पीकर को या चेयरमैन को, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये पावर जो है ये चेयरमैन या स्पीकर के हाथ में रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी सीट खाली यहाँ पर हो जाती है पार्लियामेंट के अंदर, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा सबसे ये आगे वाला और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 60 सीटिंग जो होती हैं लगभग, मतलब कंटिन्यूअसली, मतलब 60 डेज के लिए, ठीक है ना, 60 डेज के लिए जो मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट की, अगर उसमें एब्सेंट है विदाउट परमिशन, परमिशन किससे लेनी है, अगर लोकसभा में है तो स्पीकर से और राज्यसभा में है तो चेयरमैन से, उनकी परमिशन के द्वारा 60 डेज से ज्यादा एब्सेंट है मेंबर, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोगों को याद रखना है ये वाले पॉइंट। ठीक है ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। 60 की जगह आप लोग यहाँ पर बोल देंगे कि मतलब 90 डेज के लिए हो सकता है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए हो सकता है, तो इस तरीके के प्रोविजन भी दिए जा सकते हैं, 1 महीने के लिए बोल सकते हैं, 14 दिनों के लिए बोल सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिजाइड करता है। ठीक है, जो आप लोग लोकसभा में देख सकते हैं स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, प्रोटम स्पीकर भी होता है, राज्यसभा में देखते हैं चेयरमैन होता है, और आप लोग देखते हैं यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोकसभा की स्पीकर के बारे में। तो लोकसभा की जब फर्स्ट मीटिंग होती है, इलेक्शन होने के बाद में सब चुन के आते हैं और फर्स्ट मीटिंग होती है, तो फर्स्ट मीटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे स्पीकर को चुना जाता है। ठीक है, स्पीकर को चुना जाता है फर्स्ट मीटिंग में। तो स्पीकर को चुनने के बाद में, जब फर्स्ट मीटिंग होती है, चुनने के बाद में अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है, तब भी स्पीकर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा चुनकर नहीं आ जाती है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अगर स्पीकर को ऑफिस छोड़ने वाली बात आती है तो ऑफिस कैसे छोड़ता है। सबसे पहली बात, जो डिप्टी स्पीकर को रिजिग्नेशन देता है ये, ठीक है ना, अगर इसको रिजाइन करना है तो डिप्टी स्पीकर को रिजाइन देगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, अगर स्पीकर को रिजाइन देना है तो प्रेसिडेंट को रिजाइन नहीं देता है, वो डिप्टी स्पीकर को रिजाइन देता है। ठीक है, और इसी तरीके से डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रिजिग्नेशन लेटर देता है। इसके अलावा सीज किया जा सकता है, काम करने से रोका जा सकता है जो स्पीकर है वो लोकसभा मेंबर के द्वारा। इसके द्वारा इसको हटाया भी जा सकता है रिजोल्यूशन पास करके, पर 14 दिन पहले बताना पड़ेगा स्पीकर को कि हम आपको हटाने जा रहे हैं, जिससे कि वो अपना बचाव भी कर सके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक निकल के आती है, वो क्या है, जब यहां पर इनको हटाने के लिए रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान से सुनिएगा, इनको हटाने के लिए रिजोल्यूशन पास करने की बात आती है, जो 14 दिन दिए जा सकते हैं, उस ड्यूरेशन में स्पीकर जो है लोकसभा में बैठ सकता है। ठीक है, पर लेकिन वो चेयर नहीं करेगा उसको मीटिंग को। ओके, इसके अलावा ये नॉर्मल कंडीशन में वोट भी डाल सकता है, पर लेकिन जब वोट ऐसा आ जाए, टाई वोट हो जाए, तब उस टाइम पे वोट नहीं डालेगा ये। तो ये कुछ प्रोविजन है जिसके बेस पर ये काम करता है यहाँ पर। ठीक है, तो मीटिंग में पार्टिसिपेट भी करता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तरीके से, तो उस तरीके से वर्क यहाँ पर करता है ये। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिये, जो स्पीकर होता है, स्पीकर को क्या बोला जाता है, हेड ऑफ द लोकसभा बोला जाता है, लोकसभा का हेड बोला जाता है, और अपनी पावर ये 3 जगह से लेता है। जो कोई स्पीकर है आज की डेट में, कौन है स्पीकर, स्पीकर याद है, नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर्च करने के बाद में। ठीक है, तो जो स्पीकर है वो अपनी पावर 3 जगह से लेता है। सबसे पहली तो पावर लेता है कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर लिखी गई है कि स्पीकर की ये पावर होनी चाहिए, ये पावर स्पीकर की होती है। कंडक्ट रूल बुक जो है, जिसके द्वारा पार्लियामेंट वर्क करती है, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उससे स्पीकर को पावर मिलती है। और तीसरी पावर मिलती है कन्वेंशन से। ठीक है, जो प्रोसीजर चले हुए आ रहे हैं उनको मान लिया गया है कि यहाँ पर स्पीकर की पावर रहेगी, तो कन्वेंशन से भी स्पीकर की पावर रहती है। ओके, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्पीकर कौन है आज की डेट में इंडिया में। ओके, इसके अलावा मैं आप लोगों को डिप्टी स्पीकर बताता हूँ, स्पीकर आप लोगों को बताना है। डिप्टी स्पीकर है थंबाब दुरई, ठीक है, AIADMK के मेंबर है, जो कि तमिलनाडु में पार्टी है, तो उसके मेंबर है ये, तो ये आज की डेट में स्पीकर है। और लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है ना, आप लोगों को बोला है हेड ऑफ द लोकसभा कौन होता है, स्पीकर होता है, पर लीडर ऑफ द हाउस गवर्नमेंट का जो लीडर होता है यहाँ पर, वो बीजेपी का वो कौन होता है, यहाँ पर यहाँ होता है प्राइम मिनिस्टर। तो कौन है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो पीएम होता है लीडर ऑफ द हाउस। और अपोजिशन लीडर कौन है यहाँ पर, अपोजिशन लीडर, आप लोगों से वैसे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका हूं, अपोजिशन लीडर की सीट यहां पर खाली है, क्योंकि मिनिमम सीट 10% होनी चाहिए अपोजिशन का लीडर बनने के लिए। 545 सीटें हैं आज की डेट में, ठीक है ना, 545
545 सीटें हैं आज की डेट में, तो 10% का मतलब है लगभग कितनी होनी चाहिए, 54 सीटें होनी चाहिए, पर लेकिन कांग्रेस के पास मैक्सिमम 44 सीटें है, तो ये है कि एक 10% सीटें मिनिमम होनी चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, पर लेकिन 10% से भी कम सीटें हैं, तो आज की डेट में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में कोई भी नहीं है। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर ये। ओके, अब यहां पर ये बात हो गई, सारी बातें होगी स्पीकर के बारे में, ठीक है, इसी तरीके से राज्यसभा के बारे में बताऊंगा, उससे पहले देख लेते हैं हम थोड़ी सी और बातें, स्पीकर की पावर देखते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर स्पीकर की पावर क्या क्या है, सबसे पहली जो बात की जाती है, देखिए पार्लियामेंट में आप लोगों ने देखा होगा, जब लोकसभा की आप लोग प्रोसीडिंग देखते हैं लोकसभा टीवी पर, तो आप लोगों को स्पीकर देखने को मिलता होगा वहां पर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से रेगुलेट होना है बिजनेस, ठीक है ना, वहां पर कोई बदतमीजी ना करे, ओके, और किस तरीके से स्टार्ट करनी है प्रोसीडिंग, तो वो सारे काम स्पीकर की ड्यूटी रहती है, ड्यूटी भी इसकी प्राइमरी ड्यूटी रहती है, और फाइनल डिसीजन भी स्पीकर का ही रहता है, ठीक है, इसीलिए यहां पर हेड बोला जाता है, ओके, हेड बोला जाता है इसको लोकसभा का, तो फाइनल बात भी जो बोलेगा वो स्पीकर की सुननी ही सुननी पड़ेगी सबको, तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली डे बाय डे में आप लोग स्पीकर की पावर जानने को मिलती रहती होगी न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर लोकसभा टीवी के थ्रू। आगे बात बोली जाती है कोरम, ठीक है ना, QURUM, तो कोरम की जब बात की जाती है यहां पर, तो लगभग 10 यहां पर बोला जाता है 1/10 सीटें यहां पर होनी चाहिए अगर आपको मीटिंग चलानी है लोकसभा की, जितने मेंबर हैं यहां पर उसके 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए तो मीटिंग चलेगी, अगर इससे कम मेंबर हैं तो मीटिंग नहीं चलेगी। ये कौन डिसाइड करता है, ये स्पीकर डिसाइड करता है, ये पावर स्पीकर को दी गई है कि आप लोगों को डिसाइड करना है कि यहां पर मीटिंग आगे चलनी है या नहीं चलनी है, तो कोरम याद रखिएगा 1/10, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मीटिंग चलाने के लिए इतने आदमी का प्रेजेंट होना उपस्थित होना जरूरी है वहां पर। एक बात हो गई स्पीकर के बारे में, दूसरी बात क्या हो गई, स्पीकर जो है कभी भी डायरेक्ट अपनी वोट नहीं करता है, अगर कोई बात हो रही है कहीं पर डिसीजन वोट आ रही है तो स्पीकर डायरेक्ट वोट नहीं करता है, स्पीकर क्या करता है अगर टाई हो जाती है, मान लीजिए 50-50 वोट हो गया, ठीक है, तो डिसीजन लेने के लिए अगर टाई हो गया तब स्पीकर वोट डालेगा यहां पर, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है ना, तो कास्टिंग वोट स्पीकर डालता है, नॉर्मली स्पीकर वोट नहीं करता है, हम लोगों ने अभी देखा अगर उसको डिस्क्वालीफाई का प्रोसेस चल जा रहा है तो तब वो वोट डाल सकता है, उस टाइम पर कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता है, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, तो कास्टिंग वोट में और नॉर्मल वोट में डिफरेंस होता है, कास्टिंग वोट होती है जब टाई हो जाता है, और नॉर्मल वोट तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या अलग अलग हाउस के जो मेंबर होते हैं वो डालते हैं अपनी वोट जो उनका उनको जो पावर दे रखी है, ओके, तो कास्टिंग वोट यहां पर डाली जाती है स्पीकर के द्वारा, डिसीजन टाई ना हो जाए जिससे, तो पार्लियामेंट आराम से वर्क करती रहे, डेडलॉक न बना रहे, इसलिए ये पावर स्पीकर को दे रखी है। इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग की बात की जाती है, ज्वाइंट सिटिंग जो बुलाई जाती है वो बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, याद रखिएगा, पर प्रिजाइड की जाती है, मतलब जो यहां पर इसको फोकस करके चलता है, जो यहां पर पूरी मीटिंग कंडक्ट कराता है वो होता है स्पीकर, तो जो हेड होता है ज्वाइंट सिटिंग का वो आप लोगों को याद रखना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज्वाइंट सिटिंग, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है, ये स्पीकर होता है यहां पर, स्पीकर होता है यहां पर ज्वाइंट सिटिंग को जो प्रिजाइड करता है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है, ज्वाइंट सिटिंग में दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल जाती हैं और तब जाकर किसी बिल को पास किया जाता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहां पर स्पीकर रहता है, ना कि चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये कंफ्यूजन डाल सकते हैं आपके माइंड में, इसको क्लियर रखना है। ये ज्वाइंट सिटिंग क्यों बुलाई जाती है, बहुत से बिल ऐसे होते हैं डेडलॉक बन जाता है, पास ही नहीं हो पाते, पर गवर्नमेंट चाहती है कि इंपॉर्टेंट बिल है उनको पास कराया जाए, तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा पिछले कुछ टाइम में जो बीजेपी है उसकी मेजोरिटी थी कहां पर, लोकसभा में, पर राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, तो इसीलिए कई बार ये भी बातें जानने को मिली कि अगर कोई बिल पास कराना है तो अगर दोनों हाउस को मिला दे तो बीजेपी की मेजोरिटी हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा में उनकी काफी मेजोरिटी है और बिल को पास कराया जा सकता है, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, तो कई बार इस तरीके की बातें देखने को मिली, ठीक है, तो उसको ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। नीचे बताइए अंडर किस आर्टिकल के अंदर ज्वाइंट सिटिंग आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीचे। तो ये भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन जो होता है ये भी स्पीकर के हाथ में पावर रहती है यहां पर, जो इसको प्रिजाइड करता है, बुलाई प्रेसिडेंट के द्वारा जाती है, जरूर याद रखेगा, बुलाई स्पीकर के द्वारा नहीं जाती है, स्पीकर उनको ली प्रिजाइड करता है उसको। कुछ और इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, मनी बिल को मनी बिल है ये कौन क्लेरिफाई करता है, कौन सर्टिफाइड करता है, ये भी स्पीकर ही सर्टिफाइड करता है, याद रखिएगा, मनी बिल से रिलेटेड जो मैटर है वो पावर जो है मैक्सिमम पावर किसके हाथ में है, लोकसभा के हाथ में है, राज्यसभा के हाथ में इससे रिलेटेड कोई पावर नहीं दे रखी है, ओके। इसके अलावा जो बात की जाती है नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो क्या है, यहां पर अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाना है अंडर 10th शेड्यूल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल के तहत में अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाना है तो ये पावर भी स्पीकर के हाथ में होती है,
पर लेकिन स्पीकर की जो पावर है, ये अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जिस तरीके से आप लोगों को अभी तमिलनाडु में या फिर कुछ दिनों पहले कई स्टेटों में भी आप लोगों को देखने को मिला, ये जो डिसीजन है स्पीकर का, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। मतलब ये जुडिशियल रिव्यू के एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि स्पीकर अपनी पावर चलाएगा, दादागिरी चलाएगा वहां पर, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के तहत देखा जाएगा कि सही काम किया है या गलत काम किया है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। अगर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया है। तो ये पावर भी यहां पर इन्हीं के हाथ में दे रखी है। इसके अलावा आपको आगे चैप्टर में देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो उनके मेंबर और उनके हेड जो होते हैं, वो भी डिसाइड किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा। तो ये भी पावर जो होती है स्पीकर के हाथ में होती है। अब जब यहाँ पर स्पीकर को कुछ पावर दे रखी है, तो इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए स्पीकर, वो किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो उसके टेन्यूर की जाती है, ठीक है। टेन्यूर मतलब कितना टाइम पीरियड होता है, तो उसको सिक्योर किया जाता है जिससे कि किसी पार्टी का उसके ऊपर दबाव न आए, ठीक है। तो उसके लिए अगर पता चला कल को स्पीकर को हटाना पड़ गया, तो सबसे पहली बात है यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी यहाँ पर ली जाती है। मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी ली जाती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस की बात जब की जाती है। ऐसा नहीं है कि जितने प्रेजेंट है, प्रेजेंट मान लीजिए यहाँ पर आज की डेट में मान लीजिए अगर 200 मेंबर प्रेजेंट है, तो 200 मेंबर में से अगर पास कर दिया गया कि 101 ने वोट डाल दिया इसके खिलाफ में, तो इनको हटा दिया जाएगा, नहीं, पूरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी ली जाती है। टोटल मेंबर ऑफ द हाउस कितने हो गए, 545। तो 545 का डिवाइड बाय 2 करने के बाद में जो मेंबर आएंगे, ठीक है ना, तो वो मेंबर के बेस पर यहाँ पर निकाला जाएगा। तो इस तरीके से ली जाती है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 273 के करीब मेंबर, ठीक है ना, तो तब जाकर यहां पर इनको हटाया जाएगा। ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। पर लेकिन अगर जितने मेंबर प्रेजेंट है 100, 200, 300, उनके द्वारा अगर हटाया जाता है 50% मेजोरिटी के द्वारा, उसको ऑर्डिनरी मेजोरिटी बोलते हैं, तब तो किसी को भी हटाया जा सकता है। पर थोड़ा सा टफ हो जाता है यहां को इनको हटाना, जिससे कि इनके ऑफिस को एक इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाए रखा जा सके। इसके अलावा अगर ये देखिए इसको हटाने के लिए स्टार्ट करनी है बात, की इनको हटाना है, तो 50 मेंबरों को सपोर्ट करना चाहिए, तब जाकर वो बात स्टार्ट की जा सकती है। 50 मेंबर को सपोर्ट वहां पर होना चाहिए। इसके अलावा क्या बात की जाती है, अगर आप लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ प्रिसिडेंस, मतलब जो वरीयता दी जाती है, तो 7वें नंबर पर इनको रखा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में। मतलब सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ऊपर इनको रखा गया है, इनको पोजीशन मेंबर ऑफ सारे पार्लियामेंट जितने मेंबर हैं उनसे सबसे ऊपर है। ओनली इनसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है, और सब इनसे नीचे होते हैं रैंक में। तो स्पीकर को यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी वरीयता दी जाती है, ताकि इनको सुन सके वहां पर। कुछ बातें और जाननी चाहिए आप लोगों को। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि देखिए फर्स्ट टाइम ये वोट नहीं डालेंगे स्टार्टिंग में, तो कास्टिंग वोट डाल सकते हैं, जिससे कि एक जो रेगुलेशन है वो पार्लियामेंट की प्रॉपर वे में चलती रहे। तो कास्टिंग वोट ये डालेंगे यहाँ पर, फर्स्ट टाइम जो वोट की बात की जाती है स्टार्टिंग में वोट नहीं डालेंगे। और जो भी ये काम करेंगे उसमें लोकसभा में, उनके काम को डिस्कस नहीं किया जाएगा लोकसभा में, मतलब इनका क्रिटिसिज्म नहीं किया जाएगा, ओके। अगर हम बात करें यूके की, यूके में जो स्पीकर है वो थोड़ा डिफरेंट है इंडिया के स्पीकर से। वहां पे जो पोस्ट होती है वो न्यूट्रल होती है, मतलब जब भी किसी का वहां पर स्पीकर बनाया जाता है तो उसको न्यूट्रल कर दिया जाता है, उसको जो पोस्ट होती है उसको रिटायर कर दिया जाता है, उस पोस्ट पर उसको नहीं रखा जाता है। तो पोस्ट से उसको पोस्ट से हटा दिया जाता है, या खुद बोलेंगे उसने खुद पोस्ट छोड़ देनी होती है, जिससे कि ये बना रहे कि देखिए स्पीकर जो होता है हेड करता है, वहां पर अपोजिशन भी होती है और गवर्नमेंट भी होती है, तो दोनों चीजें होती है वहां पर अवेलेबल, तो कोई ऐसा पार्शियलिटी ना देखने को मिले, तो इसलिए वो रिजाइन दे देते हैं। तो ये मैच्योरिटी देखने को मिलती है, ओके। पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं डिप्टी स्पीकर की। तो जो डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा में, अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर अवेलेबल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है यहां पर कि जो डिप्टी स्पीकर होता है वो ऐसा नहीं है कि स्पीकर के सबॉर्डिनेट होता है, कि स्पीकर है उसके नीचे डिप्टी स्पीकर हो गया, नहीं, इसकी भी पावर इतनी होती है, ठीक है। तो सबॉर्डिनेट ऑफिस नहीं है, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये याद रखनी है। अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है और डिप्टी स्पीकर उसकी जगह वर्क करता है, तो सारे काम A to Z कर सकता है जो स्पीकर करता है, इवन जॉइंट सिटिंग, याद रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग को भी प्रिजाइड कर सकता है डिप्टी स्पीकर। यहां पर भी कोई रोक टोक नहीं है, यहां तक भी ये अपने ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड कर रहा है, तो ये भी पावर यहां पर डिप्टी स्पीकर को रहती है। तो ये सबॉर्डिनेट ऑफिस नहीं है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये तक पावर इसको दे रखी है, तो आप लोग इसलिए इसे सबॉर्डिनेट ऑफिस नहीं मानेंगे। इंडिपेंडेंट अगर ये रहे, इसके लिए सारी बातें वही है जो स्पीकर के लिए मैंने आप लोगों को बताई। सैलरी फिक्स की जाती है, इसको हटाने के लिए वही काम किया जाता है जिस तरीके से स्पीकर का मैंने आप लोगों को बताया, तो वही प्रोविजन सारा रहता है, जिससे कि इसका ऑफिस भी इंडिपेंडेंट बना रहे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर जानने को मिलेगी, वो क्या है, 10th लोकसभा तक, ठीक है ना, जो हमारी 10th लोकसभा थी, अभी हमारी 16th लोकसभा चल रही है, 10th लोकसभा तक जो स्पीकर हुआ करते थे और डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे, वो सिंगल पार्टी से हुआ करते थे, मतलब रूलिंग पार्टी से हुआ करते थे, जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उससे हुआ करते थे। आज की डेट में जो हो रहा है, मतलब 11th लोकसभा से लेकर और आज 16th लोकसभा चल रही है, आज तक का
11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, ठीक है। तो टोटल 6 बार से ये चीजें हो रही हैं। क्या कि जो स्पीकर रहेगा वो तो रहेगा रूलिंग पार्टी का, ठीक है, जैसे बीजेपी का स्पीकर आज के डेट में, और जो डिप्टी स्पीकर रहेगा वो हमेशा रहेगा अपोजिशन पार्टी का। ओके, तो ये आप लोगों को जानना है, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये स्टार्ट कब से हुई? 11th लोकसभा से हुई। 11th लोकसभा के टाइम ड्यूरेशन बताइए। देखिए आज की डेट में आप लोग आंसर ढंग से नहीं दे रहे हैं, कम से कम आंसर तो ढंग से देते रहिए ना। ओके, तो आंसर ढंग से देते रहिए और चीजों को लोगों तक शेयर भी करते रहिए, जिससे कि चीजें आप लोगों की भी समझ में आती रही। आंसर ढंग से नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आंसर कम से कम आप लोग देते रहिए, ठीक है। पार्टिसिपेट करिए यार, मैं बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, तो थोड़ा सा आप लोग भी अपनी तरफ से साथ दिखाइए, जिससे कि मुझे अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं फिर उतनी मोटिवेशन से आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि किस तरीके से यहां पर 11th लोकसभा और 10th लोकसभा, आप लोगों को डिफरेंस रखना है यहां पर, ठीक है। अब क्या होता है आज की डेट में, स्पीकर जो रहता है वो तो पार्टी का रहता है जो जीत के आई है, और डिप्टी स्पीकर जो रहता है वो अपोजिशन पार्टी का रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है यहां पर। थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को बता देता हूं, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। 1921 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई? आप लोगों ने 1990 जो है 1919 वाला एक्ट सुना होगा, ठीक है ना। ये एक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मॉन्टेग्यू चांसफोर्ड भी बोलते हैं इसको रिफॉर्म, ठीक है। इसके द्वारा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बनाया गया, पर उस टाइम पर इनको प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बोला जाता था। तो ये बात आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लोग ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन, वल्लभ भाई पटेल जो थे फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर थे 1925 में, ये आप लोगों को याद रखना है। अब जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, और वहां पे जब स्पीकर निकल के आए उनका आप लोगों को बताना है फर्स्ट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन था। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा काफी, आंसर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आंसर जरूर दीजिए, ये आप लोगों के लिए भी काफी अच्छा है। ओके, तो आंसर जरूर दिया कीजिए। इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी, उसको बोला जाता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा के 10 मेंबरों को मिला के एक पैनल बनाया जाता है। पैनल क्या काम करता है? पैनल काम करता है कि जब यहां पर स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर अगर एबसेंट है, याद रखिएगा एबसेंट की बात कर रहा हूं, वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, सीट खाली है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एबसेंट है, बीमार हो गए, किसी रीजन से दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो जो पैनल होता है 10 मेंबर का, इनमें से कोई भी एक मेंबर यहां पर मीटिंग को प्रिजाइड करेगा। 10 मेंबर का पैनल होता है, ये इसीलिए है ताकि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चलती रहे, किसी भी कंडीशन में पार्लियामेंट की मीटिंग्स न रुके। पर लेकिन अगर वैकेंट है ऑफिस, किसी रीजन की वजह से हटा दिया गया है दोनों को, तो उस टाइम पर जो भी मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा वो यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर प्रेसाइड करेगा। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, यहां पर 10 मेंबर में से एक को छांटा जाएगा, पर लेकिन यहां पर अगर वैकेंसी है तो उस वैकेंसी, यहां पर जो वैकेंसी है तो वैकेंसी होने के बाद में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी एक मेंबर को। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बात कर लेते हैं प्रोटर्म स्पीकर की। प्रोटर्म स्पीकर क्या होता है, ये भी आप लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता होगा कई बार कि प्रोटर्म स्पीकर होता क्या है, तो उसके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग प्रोटर्म स्पीकर के बारे में। देखिए, जब मैंने आप लोगों को बताया कि स्पीकर चुन लिया जाता है, ठीक है ना, स्पीकर चुनने के बाद में तब तक रहता है, अगर डिसॉल्व भी हो जाती है असेंबली तब तक रहता है जब तक कि नई असेंबली चुनकर नहीं आ गई है, ठीक है। जब नई असेंबली चुनकर आ जाती है और उसकी जब नई असेंबली चुनकर आ जाती है तो तब जाकर ये यहां पर रिजिग्नेशन देता है, ठीक है, तब यहां पर नया प्रोटर्म स्पीकर चुना जाता है। वो प्रोटर्म स्पीकर चुना जाता है नई असेंबली के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए हैं नए, अब यहां पर मीटिंग को कौन प्रिजाइड करेगा, तो ये वाला जो नया स्पीकर रहता है इसको प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रोटर्म स्पीकर के प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ दिलाई जाती है, ताकि यहां पर स्टार्टिंग की मीटिंग, सीनियर मोस्ट मेंबर भी इसको बोल सकते हैं आप लोग, नॉर्मली सीनियर मोस्ट मेंबर रख लेते हैं, तो उसके द्वारा ओथ दिलाई जाती है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा। और फिर वो क्या करता है, फर्स्ट सिटिंग को, जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसको प्रिजाइड करता है। उसके बाद में जब नए स्पीकर का इलेक्शन होता है तब ये अपनी पोस्ट जो है खाली कर देता है, तो इस पोस्ट को बोला जाता है प्रोटर्म स्पीकर, ठीक है ना। स्पीकर से जो पहले आने वाली पोस्ट है थोड़े टाइम के लिए इसको रखा जाता है, जिससे कि चीजों को ढंग से किया जा सके, कोई प्रिजाइड होने वाला, प्रिजाइड करने वाला होना चाहिए, तो सीनियर मोस्ट मेंबर यहां पर रख लेते हैं स्टार्टिंग में उसको, ठीक है। पर जैसे ही नया स्पीकर चुनकर आता है ये उसी दिन से ऑफिस जो होता है वो सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है यहां पर, ठीक है, फिर जो है स्पीकर अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर देता है, तो इसको बोलते हैं प्रोटर्म स्पीकर।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को भी सेव कीजिए, और एक दूसरे की हेल्प जरूर कीजिए और रिविजन करते रहिए। आगे फिर कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।